मालेगांव में बॉलीवुड की बरोबरी के सिनेमे बनाए जाते हैं, इसलिए उनको पैरेलल सिनेमा के नाम से ही जाना जाता है और इस वजह से मालेगांव को मालीवुड ये नाम पड़ा है। एक ही शौक था मुझे फिल्म का, कोई सिखाया नहीं हम लोग यार फिल्म ऐसी बनती है वैसी ऐसी लिखो वैसे, बस अपना दिमाग से सीखे उसको। तीन कॉमेडी फिल्म बनाया था मैं 1-1 घंटे की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ समाज के लिए ऐसा कुछ मैं दूँ मैसेज फिल्म में, शराब गुटखा दहेज वैसा कुछ एक मैसेज रहे। 6-7 महीने में मतलब फिल्म बनाया, घर काम करके कारखाने काम करके अपना फैमिली संभाल जा रहा हूँ, ये सब करते हुए मैंने वो फिल्म बनाया। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता गया मैं फिल्मों को बनाते गए। ये अभी हम लोग पिछले महीने इसको रिलीज़ करे थे मालेगांव के सेंट्रल टाकिस में, प्रीमियर शो हुआ था और शो बहुत अच्छा गया था, लाइक आराम से हाउसफुल लग गया था, मैं समझ लो 1100-1200 पब्लिक ने जो मेरा फिल्म देखी। आपका काम और आपकी फिल्म हाँ इसका कैसा मेल मतलब किस तरीके से करते हो? जो काम हम करते घर के लिए मतलब घर के लिए कारखाने में, तो उसमें से थोड़ा बचत जो अपने जेब का खर्च होता है वो बचा कर ऐसा है बिस्सी टाइप होता है, एक काम बिस्सी लगा कर पैसा बचत करते हैं। वहाँ हम लोग बिस्सी लगा के 4-5 दोस्त लोग जो है इसे जमा करते हैं फिर ये फिल्म बनाते हैं। मालेगांव फिल्म इंडस्ट्री मॉलीवुड नाम से मशहूर है और मालेगांव की फिल्मों को ज़्यादातर पैरेलल सिनेमा की वजह से जाना जाता है। मालेगांव मॉलीवुड में ज़्यादातर कॉपीराइट फिल्म बनाई जाती है, बॉलीवुड की हिट फिल्मों का टाइटल लेके जैसे शोले शान लगान डॉन, वही रेडी टाइटल को सिर्फ मालेगांव की या मालेगांव का नाम जोड़कर हम लोग यहाँ के स्थानिक इशू स्थानिक समस्या जैसे बिजली पावर और पानी जैसी समस्याओं को लेकर यहाँ पर फिल्में बनाई जाती हैं। ये हमारी फिल्म की सीढ़ी है मालेगांव की लगान की सीढ़ी, इसका फ्रंट कवर है बैक कवर है जिसको हमने खुद डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आमिर खान ने लिखा था बहुत साल पहले भारत में कहीं, और यहाँ पर हमने लिखा है बहुत साल पहले मालेगांव में कहीं। इस फिल्म के प्रदर्शन के बाद यहाँ के स्थानिक कलाकारों का हौसला और बढ़ गया है, नई उम्मीद जोश और आत्मविश्वास के साथ सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर अपनी राह पर चल पड़े हैं। अब तक बहुत सारे फिल्में किए थे, छोटी छोटी मूवीज काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो हिसाब से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मालेगांव की लगान से लेके तो आज तक नागिन बनाए, आफत आफत बनाए, अपरिचित बनाए, ऐसी बहुत सी फिल्में बनाए थे हम लोगों ने। पर बनाने के बाद क्या होता था एक्चुअली कि वीडियो प्रोजेक्ट हम बहुत मतलब कंपनी के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए ऐसे चला के कवर करते थे, पर ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। तो अब ये माहौल तैयार होते जा रहा कि आज दिग्गज नेशनल लेवल की फिल्में मालेगांव में बनने लग गई। जो सिनेमा लोकल लेवल पर लोकल इशू लेके यहाँ पर बनाए जाते थे यही लोकल थिएटरों में दिखाए जाते थे, लेकिन इसका अभी पूरे भारत भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन हो रहा है। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।